सितंबर से 5 अक्टूबर तक दिल्ली के बीतकपुरा में भव्य श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत गुरुवार को कलश यात्रा के साथ हुई। कथा के पहले दिन महिलाओं और पुरुषों ने बड़ी संख्या में कलश यात्रा में हिस्सा लिया। कलश यात्रा सुबह 10 बजे से शारदा अपार्टमेंट से शुरू होकर कथा स्थल माँ जगदम्बा टेंट तक पहुँची, जहाँ कलश स्थापित किए गए। इस दौरान नगर के लोगों द्वारा कलश आरती का आयोजन कर उनका स्वागत किया गया। कथा दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक आयोजित की जा रही है। पीतमपुरा वेस्ट एनक्लेव में माँ जगदम्बा टेंट हाउस में एक हफ्ते तक चलने वाले इस भव्य श्रीमद् भगवत कथा के दौरान भगवत गीता के आदर्शों और उपदेशों का पाठ किया जाएगा। एकल अभियान द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में आचार्य मृदुल कृष्ण गोस्वामी द्वारा दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक कथा सुनाई जाएगी। कथा के दौरान 7 बजे से भगवान की विभिन्न झांकियों का प्रस्तुतिकरण होगा। इस श्रीमद् भगवत कथा आयोजन में आचार्य मृदुल कृष्ण गोस्वामी श्री कृष्ण के अवतार से लेकर कंसोधार, नारद संवाद, श्री कृष्ण रूपमणि विवाह के साथ कथा का पाठ करेंगे। पहले दिन श्रीमद् भगवत कथा के महात्मय का पाठ होगा, वहीं दूसरे दिन नारद व्यास संवाद, पांडव चरित्र, तीसरे दिन कपिल देवहूति संवाद के साथ साथ सती चरित्र और ध्रुव चरित्र का पाठ भी होगा। वहीं चौथे दिन की बात करें तो चौथे दिन वामन अवतार, श्री राम जन्म, श्री कृष्ण जन्म उत्सव की कथा होगी। कथा के पांचवें दिन की बात करें तो पांचवें दिन श्री कृष्ण बाल लीला, छठे दिन कंसोधार श्री रूकमणि विवाह, वहीं सातवें दिन सुदामा चरित्र परीक्षित मोक्ष की कथा होगी। इस बड़े धार्मिक आयोजन को लेकर धर्म प्रेमी लोगों में भारी उत्साह है। कार्यक्रम में देश के कई दिग्गज लोग कथा में पहुंचेंगे, जिनमें कई सांसद, विधायक, मंत्री और शहर के बड़े व्यापारी शामिल हैं। तो आप भी जरूर आइए और 7 दिन तक चलने वाली इस पवित्र कथा को श्रवण करके अपने जीवन को सनातन संस्कार और सभ्यता से जोड़िए। अगर कोई 7 दिन तक किसी व्यस्तता के कारण नहीं सुन सकता है तो वो हमारे एकल भारत यूट्यूब चैनल के माध्यम से इसे देख सकता है। तो अभी देरी ना करें और जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए एकल भारत को।